हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि वीवो के मोबाइल को फुल रीसेट कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं कि वीवो के मोबाइल को फुल रीसेट कैसे करते हैं। इस वीडियो को अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लेते हैं तो आप जान जाएंगे और सीख जाएंगे कि वीवो के मोबाइल को फुल रीसेट कैसे करते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को फटाफट से बता देता हूँ कि वीवो के मोबाइल को फुल रीसेट कैसे करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सोनू कुशवाहा और आप सभी लोगों का हमारे इस टेक टेक्निकल एस के चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, वीवो के मोबाइल को फुल रीसेट करने के लिए सबसे पहले आप लोग वीवो की सेटिंग में जाएंगे। ये जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से सेटिंग पर आप लोग आ जाएंगे। और फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाता हूँ। इस तरीके से इंटरफेस पर आने के बाद नीचे आएंगे तो ये आप लोग को मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको करना क्या है मैं आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग जाएंगे मोर सेटिंग में, और मोर सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ मिलेगा आप लोग को बैकअप एंड रीसेट। यहाँ पे क्लिक कीजिए और ये आप लोग को मिल रहा है एक बैकअप डाटा और रिस्टोर डाटा, और यहाँ पर आ रहा है इरेज ऑल डेटा, रीसेट ऑल सेटिंग, रीसेट नेटवर्क। तो मुझे क्या करना है, इरेज ऑल डेटा मुझे फुल रीसेट करना है, तो मैं इरेज ऑल डेटा पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और जैसे आप लोग इरेज ऑल डेटा पे क्लिक करेंगे तो आपका जो सारा डेटा है वो जो है डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं इरेज ऑल डेटा पे क्लिक करूँगा। अब इसके बाद आपका व्हाट्सअप वगैरह जो है सारी चीज़ें दिखा रहा है, तो फॉर्मेट फोन स्टोरेज यहाँ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और क्लियर नाउ पर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। आपका ये पासवर्ड डालने के लिए बोल रहा है, मैं पासवर्ड डालूँगा अपना पैटर्न, और इरेज एवरीथिंग यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। ये आप लोग के सामने आपका फ़ोन जो है इससे एक बार स्विच ऑफ होगा और इसके बाद आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जो है थोड़ा वेट करेंगे, फ़ोन अपने आप ही ओपन होगा, तो आपका जो फ़ोन का जो भी इरेज जो डेटा है हो रहा है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके फ़ोन में जो भी करप्टेड फाइलें हैं वो भी सारी ख़त्म हो जाएंगी और आपका जो फ़ोन है बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा। तो अभी देख सकते हैं हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर क्लियर हो चुका है और ये हमारा वाइपिंग डेटा चल रहा है। तो यहाँ पे आप थोड़ा वेट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोगों का फ़ोन जो है फुल रीसेट हो जाएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी आ जाती है तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलेगा, मैं आप लोग रिप्लाई जरूर से कर दूंगा। सो गाइस, अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।